आज वर्कशीट 5 से क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सो 2 टू द पावर माइनस 1 मतलब 1/2 माइनस 3 टू द पावर माइनस 1 मतलब 1/3 टू द पावर माइनस 1 प्लस 6 टू द पावर माइनस 1 का मीनिंग है 1/6 माइनस 8 टू द पावर माइनस 1 मतलब 1/8 टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा क्योंकि ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो 2 और 3 को डिवाइड कर सकता है, इसलिए एलसीएम हम लोग 2 इंटू 3 6 लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 1 इंटू 3 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 2, 1 इंटू 2 2 टू द पावर माइनस 1 प्लस 6 और 8 का एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 2 लेंगे 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, तो एलसीएम हमारा 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24, तो एलसीएम 24 होगा। 24 डिवाइडेड बाई 6 4, 1 इंटू 4 4 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 8 3, 1 इंटू 3 3 टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस 2 1, 1 बाई 6 टू द पावर माइनस 1 प्लस 4 माइनस 3 1 बाई 24 टू द पावर माइनस 1, तो 1/6 टू द पावर माइनस 1 मतलब ये 6/1, तो 6/1 टू द पावर 1 प्लस ये हमारा 24/1 टू द पावर 1 हो जाएगा। 1/24 टू द पावर माइनस 1 मतलब 24/1 टू द पावर 1, तो 6/1 मतलब 6 टू द पावर 1 यानी कि 6 प्लस 24 by 1 मतलब 24, 24 to the power 1 मतलब 24 equal to 6 plus 24 equal to 30, ये हमारा आंसर है। यहाँ एक चीज देखिए, जैसे 2 to the power minus 1 है, इसका मतलब है 2/1 to the power minus 1। अगर यहाँ पे power हमें positive करना है तो डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर में लेके जाएंगे और उसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली जैसे 3 टू द पावर माइनस 1 मतलब ये 3/1 टू द पावर माइनस 1 है, इसका पावर अगर हमें पॉजिटिव करना है तो इसको यहाँ पे लेके जाएंगे न्यूमरेटर में और इसको डेनोमिनेटर में लेके आएंगे टू द पावर 1 ऐसे। तो जैसे 1/6 टू द पावर माइनस 1 है, अगर हमें पावर को पॉजिटिव करना है तो हम लोग ऐसे देखिए 1/6 टू द पावर माइनस 1 है, पावर को पॉजिटिव करना है तो डेनोमिनेटर का न्यूमरेटर में लेके जाएंगे और न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर में लेके आएंगे और टू द पावर 1 के, तो 6/1 टू द पावर 1 मतलब 6, या ऐसे सोचे 6/1 मतलब ये 6 होता है, 6 टू द पावर 1 मतलब 6, तो इतना स्टेप नहीं करके हम लोग 6/1 टू द पावर 1 मतलब 6 डायरेक्टली ले लेंगे। सिमिलरली 24/1 मतलब 24, 1/24 टू द पावर माइनस 1, पावर को पॉजिटिव करना है तो 24 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो 24/1 टू द पावर 1। तो ऐसे हम लोग इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है ये, तो 2 टू द पावर माइनस 1 मतलब जैसे मैं यहाँ पे समझाई थी 2 टू द पावर माइनस 1 मतलब ये हम लोग ग्राफ ले लेते हैं, 2 टू द पावर माइनस 1 मतलब 2/1 टू द पावर माइनस 1, पावर पॉजिटिव करना है तो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में आएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 टू द पावर 1, तो 2 टू द पावर माइनस 1 मतलब 1/2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर माइनस 1 मतलब 1/3 टू द पावर 1 इसका स्क्वायर इंटू माइनस 3/8 टू द पावर माइनस 1, तो पावर पॉजिटिव करना है तो मतलब डेनोमिनेटर यहाँ पे जाएगा 8 और ये न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में आएगा, तो 8/-3 टू द पावर 1, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे तो ये -8/3 टू द पावर 1 हो जाएगा इंटू -3/8 टू द पावर माइनस 1 मतलब 8/-3 टू द पावर 1 इक्वल टू 1/2 टू द पावर 1 मतलब 1/2 इंटू 1/3 टू द पावर 1 मतलब 1/3 का स्क्वायर
इनटू, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेंगे, माइनस 8/3 टू द पावर 1, मतलब -8/3। तो यहाँ ब्रैकेट को हम लोग छोड़ सकते, नहीं ठीक है, नेगेटिव नंबर है तो ब्रैकेट हम लोग रखेंगे। इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर से 1 × 1 1/2 × 3 6, 1/6 का स्क्वायर इंटू -8/3 इक्वल टू 1/6 का स्क्वायर, यानी कि 1/36 इंटू -8/3। अभी कैंसिलेशंस करेंगे तो 8 और 36 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 इक्वल टू -2/27, ये हमारा आंसर है। तो ये फर्स्ट टू क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 के खत्म होते हैं। तो ऐसे हम लोग सॉल्व किए इसको।